आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी स्पीड टेस्ट है उसका आंसर। जो स्पीड टेस्ट का थ्री पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है बेटा। चलिए, जैसा कि आप नीचे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एट्थ क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार कुल दूरी का एक तिहाई भाग 20 किलोमीटर पर आवर तथा शेष 60 किलोमीटर पर आवर से पूरा करती इसकी औसत चाल। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है ठीक। क्वेश्चन कह रहा है वन थर्ड जो टोटल डिस्टेंस का पार्ट है वो B1 जो जा रहा है कितना 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ठीक। और जो शेष बची अब कितनी है, टू थर्ड बची होगी, कितनी बची है, टू थर्ड। तो वो जो B2 स्पीड है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर ठीक। अब पूछा है इसकी औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होता है, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो दिस इज द बेसिक टोटल टाइम, बट वी नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ओके, टोटल टाइम टेकन, तो इससे बहुत टाइम टेकिंग में आज के पास सीधे ट्रिक बताता हूं बेटा, ध्यान रखना है आपने ठीक। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि मान लो ये S1 दूरी है, ये क्या है S1 दूरी, ये कुछ S2 दूरी है, और इनका अगर हमें रेशियो पता है M:N है, मान लो कितना है M:N, और ये S1 दूरी कुछ बेटा B1 बेग या स्पीड से चला है ठीक, बेग या चाल से चला है, ये कुछ B2 से चला है। तो सीधे सीधे हमें एवरेज स्पीड की जो ट्रिक है, जो ट्रिक याद रखनी है बेटा, ट्रिक क्या है, सीधे एवरेज स्पीड क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो ऊपर, M+N करना है बेटा ठीक है ना, और दोनों का मल्टीप्लाई स्पीडों को करना है B1 B2। नीचे में क्या है, इनका ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एड कर देना ठीक। तो N×B1 हो जाएगा प्लस M×B2, तो आपने ये ध्यान रखना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको पता है इनका दूरियों का अनुपात 1/3 है, ये वाला क्या है 2/3। तो हमें m, ये m की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई, b1 पता है, b2 पता है, तो सीधे सीधे b एवरेज अपन निकाल लेगा बेटा। b एवरेज कितना हो जाएगा सीधे बता दो, m प्लस n करेगा देखो 1/3 + 2/3, तो ये 1 ही बन जाएगा, इंटू बी वन मतलब 20×60 / कितना आ जाएगा m दिस इंटू दिस मतलब 20×2/3 प्लस बेटा ये कितना आ जाएगा 60×1/3, तो ये क्या 20, ये सॉल्व कर लेंगे हम, ये 1 ही हो गया, 1×20 बेटा 60 हो गया, डिवाइड बाई कर देते 40/3 प्लस 20, यहां से इसको हम एलसीएम ले लेंगे बेटा 20×60/, ये बेटा कितना आ जाएगा 40, ये 60 प्लस ये 40 100 हो जाएगा, 100 ऊपर से बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, ये एक जीरो गया, एक ये जीरो गया, ये कितना हो गया 3×6 = 18, 18×2 = 36। तो आंसर अपन का सीधे आता 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा बेसिक फंडा है ठीक। इस पे अगर बेटा कह देता कि हमारा कि दूरियां बराबर है, तो उनका अगर दूरियां बराबर होता तो सीधे सीधे क्या आ जाता, M:N बनवाना आ जाता, तो 2 times ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाता। तो आई होप ये समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आप जैसा देख पा रहे होंगे आंसर नंबर जो बेटा 9 है वो क्या कह रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन 5 इसके पार्ट्स हैं और ये 10 क्वेश्चनों के बराबर है। तो चलिए समझते हैं बात को ढंग से समझते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है एक मनुष्य जिसका भार 50 किलोग्राम है एक लिफ्ट में खड़ा है, निम्न अवस्थाओं में उसका भार क्या होगा यदि जी बराबर 10 m/s² है बेटा। क्वेश्चन पहला कह रहा है, पहला पार्ट समझना है, कह रहा है लिफ्ट 5 m/s के समान वेग से गति करे। ओके, चलिए समझते हैं, ये मान लिया हमने क्या है, ये हमने समझा अपन ने कि ये हमारा एक क्या बेटा लिफ्ट है, क्या है लिफ्ट। ओके, इसमें ये हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लगी है, इसमें ये 50 किलोग्राम का ये बांगड़ू आदमी लटका हुआ है ठीक। तो अब कह रहा है कि ये गति चाहे ऊपर करे, बी बराबर कितना है 5 m/s ठीक। तो ये बहुत आज की बात आपको समझ ही लेना, बहुत अच्छे तरीके समझा दूंगा ठीक। अब देखो ये यार इसके पास वजन है तो हमेशा mg कितना लगेगा, mg भार इसका w बराबर mg नीचे लगेगा बेटा कितना लगेगा 50×g, जी उन्होंने 10 माना है ठीक। ये 500 N क्या है नीचे लग रहा होगा, 500 N नीचे लग रहा है बेटा। अब देखो जब भी किसी वस्तु के पास त्वरण होता है तब एक छद्म बल आ जाता है, क्या आ जाएगा स्यूडो फोर्स। जब भी एसिलरेशन होगा किसी बॉडी के पार्ट तब नॉन इनिशियल फ्रेम बन जाता है और उसके पास एक एसिलरेशन आ जाता है, उसकी वजह से स्यूडो फोर्स। लेकिन यहां पर देखो हमारा जो
वेग है वो क्या है 5 मीटर पर सेकंड। तो हम अगर डीबी अपॉन डीटी करें तो जीरो आएगा, इट मींस त्वरण भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहां पर कोई छद्म फोर्स नहीं होगा, एफ स्यूडो कितना होगा, जीरो। तो इस केस में ध्यान रखना, चाहे लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जब भी नियत वेग होगा तो त्वरण जीरो होगा और उस केस में वस्तु का भार नहीं बदलेगा जो 50 किलोग्राम का है। तो यहाँ आवासी आवासी भार भी कितना रहेगा, ध्यान से बताइए कितना रहेगा, आवासी जो भार होगा बेटा वो भी कितना रहेगा, 50 kg। आपको ये बात याद रखनी है, आई होप समझ में आया। दूसरा केस क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना ये केस, समझ में नहीं आते लोगों। हाँ, अगला सेकंड पार्ट बेटा कह रहा है लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से ऊपर जाए। अरे बाबा यही लिफ्ट है, तुम वैसे ही बना दो, ठीक, कुछ नहीं समझना। ये एक लिफ्ट लगी तराजू, ये उसके अंदर ये 50 किलोग्राम का लटका है आदमी, ठीक। अब देखो 50 केजी है तो नीचे बाबा क्या लगेगा, एमजी लगेगा, डब्ल्यू बराबर एमजी मतलब 50 × g। मैं तो सीधे अभी बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना, तो नहीं तो आपको भी। अब इसमें कह रहा है जो त्वरण है ऊपर जा रहा है, ए बराबर कितना जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा है। तो अब ध्यान रखना बेटा, इसका हमें आभार निकालने के लिए हमें इसमें ये नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, क्योंकि इसके पास क्या है, वस्तु के पास त्वरण, तो इसलिए इसमें एक बांगड़ू बैठा दो। अब बांगड़ू इस अंदर से इस वस्तु को एनालाइज करेगा और वो क्या करता है, इस पर एक छद्म बल लगाएगा, ये जो बांगड़ू है इस पर क्या लगाएगा, छद्म बल। और छद्म बल मतलब स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन या त्वरण की दिशा के विपरीत होता है। तो एक नीचे लगेगा स्यूडो फोर्स बेटा, क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स मतलब एफ स्यूडो, तो स्यूडो लगा वो होगा एम इंटू ए के बराबर बेटा। तो सीधे एम कितना है इसका, 50 है, ए कितना है बेटा, 5 है। अब देखो दोनों फोर्स, एक तो mg भी नीचे है, एक ये वाला, दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो w आभासी सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, w आभासी, तो सीधे कितना हो जाएगा, mg प्लस ma, सीधे इस केस में कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। तो यहां से mg बेटा कॉमन ले ले तो मैं ले लूं तो 1 प्लस ay g। तो यहां से देखता है मैं, mg 50 दिया था तो 1 प्लस 5 दिया था, ये 10 था, ये 0.5 हो गया, तो यहां से 75 kg कितना आ जाएगा, 75 kg। तो वजन 50 से क्या होगा, ज्यादा। हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन इसमें चार है, पहला 50 केजी सब 75 था, 25 और 0, चार ऑप्शन हो गए। तो ध्यान रखना है आपको इसको यार झूले के समान समझना है, समझो जब झूला झूलते हैं तो जो ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है यार कि हम थोड़ा वजन फील होता है, तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर वजन बढ़ जाता है जब भी कोई चीज लिफ्ट ऊपर जाएगी किसी भी त्वरण से। ध्यान रखना, मंदन कह देगा तो घटेगा, ठीक है, त्वरण कह रहा है तो यहां पर वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्यों, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन की तरह होगी बेटा, नीचे होगी, है ना। और चलिए अगला केस पढ़ लेते हैं, अगला केस बेटा हमारा कह रहा है, जो थर्ड केस है वो भी ध्यान से समझना, कह रहा है कि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से नीचे जाए। अरे बाबा नीचे जा रही, कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है भाई, लिफ्ट बनाओ, वो तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, आज की बात तो आप सीधे ओरली ऑप्शन से ही मार देना, ऑप्शन से मतलब समझ जाओगे, ऊपर जा रहा है झूला तो वजन लगता है, और जैसे ही नीचे झूला गिरता है वैसे ही लगता है वजन है ही नहीं यार, तो वजन 50 से क्या होगा, कम। तो सीधे से जो ऑप्शन से ही मार सकते थे, अब इसमें ऑप्शन, इस ऑप्शन के लिए 50 kg दिया, 75, 25, 0, तो कौन सा सकता है, 25 kg, सीधे सीधे 0 तो होगा नहीं, क्योंकि जब वो तो भारहीनता का केस होता है, बताऊंगा मैं अभी, ठीक। तो ये बाबा लिफ्ट है, इसमें 50 kg हमने लटकाया, लटकाया कि नहीं लटकाया, लटकाया, तो इसका नीचे बस लगा दो W = mg बेटा लगा दिया, ये रियल वेट है, ठीक, mg नीचे। अब कह रहा तुरड़ बाबा नीचे है, ए क्या है, नीचे, और कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, अजड़तीय फ्रेम है, इसलिए इसमें एक बांगड़ू बैठा लेंगे, तो अब ये इस सिस्टम को अंदर लिफ्ट के अंदर बैठ के एनालाइज करेगा बेटा, तो इस पर ये क्या लगाएगा, छद्म बल, और छद्म बल की दिशा इस त्वरण की दिशा के विपरीत होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां से एफ स्यूडो बताओ बेटा, एफ जो स्यूडो होगा वो हमने बताया था कितना होगा, एम ए होगा। तो अभी पता है यार आपको, डब्ल्यू अपरेंट आभासी
आभासी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला ज्यादा है तो एम जी माइनस एक दूसरे के क्या है जस्ट 180 डिग्री है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, भजन भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, तो सीधे सीधे घटा देने का, ये एम जी माइनस एम ए आने का, सीधे एम जी कॉमन लेने का, 1 माइनस ए वाई जी आने का, एम जी 50 था, ये कितना 1 माइनस ए 5 था, ये 10 था, ये 1/2 हो गया, तो इसका ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 50 × 1/2 हो जाएगा, तो ये 25 kg आने का, ये समझ में आया ना। चलिए इसका जो बेटा अगला पार्ट है वो भी बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपने, ठीक है ना। अगला पार्ट भी देखते हैं, अगला पार्ट कह रहा है चौथा पार्ट, ये भी बहुत, ये पूरा लिफ्ट खत्म हो गया आपका, एक मैं केस और बताऊंगा। यदि लिफ्ट कह रहा है, यदि अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो ये बहुत और बहुत ही अच्छी बात, कहना टूट जाए बहुत अच्छी बात है यार। ये रहा लिफ्ट, ये रहा लिफ्ट, इसमें 50 किलोग्राम का ये भाई साहब लटका था, ये 50 किलोग्राम का, ठीक है ना, तो इधर नीचे एम जी लगेगा यार, एम जी, और इधर अब ये रस्सी टूट गई है, तो यार फिर इसके पास एक इसके बराबर होगा, एक इसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब नीचे है, तो यहाँ पर आपने ये भी पता है, अगर बाबा तुरल नीचे है तो इसमें छद्म बल भी किधर लगेगा, छद्म बल की जो दिशा होगी इस डायरेक्शन ऑफ तुरल के विपरीत होगी, ऊपर लगेगा एफ सुइडो, एफ सुइडो कितना लगेगा जल्दी बताने का, एम ए, और ए बता है जी के बराबर हो जाएगा। जब भी कोई वस्तु फ्री फॉल होती है, मुक्त रूप से गिरती है, तो उसका त्वरण कितना होता है, जी हो जाता है, जी के बराबर, तो एम जी हो जाएगा। अब दोनों राशियां कैसी हैं बेटा, सदिश और एक दूसरे के विपरीत, तो इनका नेट रिजल्टेंट करेंगे डब्ल्यू आभासी, तो बताओ कितना आता, एम जी माइनस एम जी 0 आता, तो इसी को बाहरहीनता कहलाता है। क्या कहलाता है, बाहरहीनता, वेटलेसनेस इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा, वेटलेसनेस मींस इस केस में बाबा ये जो वस्तु होगी यहाँ पर इसका वजन जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। एक इसमें ये पार्ट दिया नहीं है मैं, लेकिन मैं पांचवा पार्ट और समझा देता हूं, समझिए। यदि लिफ्ट, ध्यान से समझना, यदि लिफ्ट ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से ऊपर जाए, ओके, क्या कह रहा है, तो इस केस में लिफ्ट बनाने का, ओके बाबा बना ली मैंने, ये लो स्प्रिंग तराजू लगा दिया, क्यों वजन हमें इसका नापना है 50 किलोग्राम हमने, ये समझाने के लिए आप तो ओरली मार रहे हैं यार। अब देखो नीचे एम जी लगाने का, आंख बंद करके एम जी लग गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लिफ्ट ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से, अरे भाई साहब अब तुरल की दिशा ऊपर नहीं होगी क्योंकि मंदन है, लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, लेकिन मंदन कब होगा, जब तुरड़ क्या लगेगा, नीचे होगा, बस भाषा समझिए, ऊपर कहे जरूर रहा लेकिन मंदन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे इसका मंदन लग रहा होगा, मतलब रिटार्डेशन इतने से हो रहा होगा, इट कैन बी ऑफ, मतलब ये चाहे हवा को एयर का हो सकता है, ठीक, किसी का भी हो, तो इट मींस अब हमें इसके अंदर बैठना है, इस बांगड़ू को बैठा ला, अब क्योंकि इसके पास तुरड़ है तो इसमें एक छद्म बल लगाएगा और छद्म बल की दिशा इस तुरड़ की दिशा के विपरीत होगी, किधर होगी बाबा, ऊपर की तरफ होगी, तो एफ स्यूडो मतलब छद्म बल कितना आता, एम ए आता, तो डब्ल्यू अपरेंट, ठीक, आभासी अपरेंट कितना आता। अब देखो दोनों वेक्टर क्वांटिटी दे आर ऑफ अपोजिट, तो कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ लेता, मतलब एम जी माइनस एम ए, तो जो आभासी भार होगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ध्यान रखना कम हो जाएगा, और जितना दिया होगा तो वो घटा देंगे, ठीक, कम हो जाएगा, तो ध्यान रखना मंदन कहते कहते कि ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से ऊपर जा रहा है, तो मींस वो तुरड़ की दिशा क्या हो, नीचे, तो वजन कम हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहता लिफ्ट ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से नीचे आ रही, नीचे आ रही होती तो ऊपर तुरड़ की दिशा होती तो वजन क्या हो जाता, ज्यादा। तो आई होप ये लिफ्ट के केस समझ में आया होगा, आया है ना, मैं इसके बाद आगे क्वेश्चन बेटा आपको डिस्कस करूंगा, ओके, थैंक यू फॉर दिस
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ये केसेस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें. ओके गाइस, लेट अस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, ये है पूरा के लिफ्ट का केस खत्म होता. चाहे इसमें बंदर वाला आता तो वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है.